हेलो एवरीवन, नमस्कार। अभी कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीयूईटी पीजी पेपर कोड COQP 12 एमबीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। एमबीए के इस पेपर में टोटल क्वेश्चन आते हैं 75, जिसमें से 25 क्वेश्चंस हिंदी से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम 2024 के पेपर को डिस्कस करेंगे और आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हिंदी से रिलेटेड आए थे। तो स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर हो रही है जी। प्रश्न नंबर एक से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर एक, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, यानी ये मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें शब्द दिए गए हैं और प्रकार दिए गए हैं। ये जो शब्द हैं, ये कौन से टॉपिक के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं शब्द भेद के अंतर्गत। इसके अंदर हम जानते हैं कि शब्द के कौन कौन से भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो सबसे पहले जब हम लालटेन शब्द को देखेंगे तो ये एक विदेशी शब्द लालटन का अपभ्रंश है, तो ये विदेशी शब्द हो गया। डिबिया हमारा देशज शब्द है, यानी लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड है। सार्वभौम, ये संस्कृत भाषा से एज इट इज लिया गया, इसीलिए ये तत्सम। और मूल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द में थोड़ा सा हेर फेर करके इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये तद्भव शब्द है। तो जब हम मैच करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर टू, यानी ए लालटेन विदेशी डिबिया देशज और उसके बाद सार्वभौम सार्वभौम तत्सम और मुंह जो है तद्भव, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर टू। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्दों का शुद्ध रूप चुनिए। हमें यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वाक्य में स्वीकार प्रदान किया है, ये गलत इस्तेमाल किया गया। इसका हमें यहाँ पर सही क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए उसको चूज करना है दिए गए ऑप्शंस में से। लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने नए प्रारूप को व्यवस्था के अंग के रूप में, जब हम ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन समाज से संबंधित। समाज के टॉपिक्स हम क्लास में डिटेल से करते हैं। यहाँ पर है कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमें उन शब्दों का समास जो है वो चूज करना है। दिए गए शब्द हैं राज पुरोहित, पंच तत्व, जय पराजय और नीलकमल। जब हम इन सभी को मैच करेंगे तो हमें पता है राज पुरोहित तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। सभी ट्रिक्स के साथ हम इसे क्लास में करते हैं। पंच तत्व हमारा द्विगु समास में आ जाएगा, जय पराजय हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है, नीलकमल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बचता है बहुव्रीहि, जो कि गलत ऑप्शन दिया गया है। लेकिन हम मैक्स टू मैक्स चूज करेंगे जो चूज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नीलकमल का ऑप्शन गलत दिया, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो हम नीलकमल को बहुव्रीहि के साथ चूज करते हुए करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा हम इसलिए करेंगे कि जब कई बार क्वेश्चंस के ऑप्शन पीछे से ही गलत दे दिए जाते हैं या प्रश्न में कोई समस्या होती है, कोई गलती होती है, तो बाद में बच्चों को वो ड्रॉप कर दिया जाता है और उसके नंबर दे दिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार में भी यही दिक्कत। प्रश्न नंबर चार कारक से संबंधित है। कारक हम हिंदी क्लास में बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार इस प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ता गिरा, वह अपने पिता से बात करता है, वह सुप्रिया के लिए कार्य करता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। वह अपने पिता, यहाँ पर आना चाहिए था के साथ बात करता है, तब ये संबंध कारक हो जाता। जब हम इन सभी के उत्तरों को मिलाएंगे, वह कलम से लिखता है, से मीन्स विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे टूल है से,
और वृक्ष से पत्ता गिरा, यहाँ पे ये डिस्टेंस दूरी दिखाई दे रहा है, तो दूरी वाला से अपादान को जाएगा, टूल वाला से करण को जाएगा, और के साथ बात करता है वो संबंध में हो जाएगा, और सुप्रिया के लिए काम करता है वो संप्रदान कारक हो जाएगा। जब सभी ऑप्शंस को देखेंगे और सी की गलती को इग्नोर करेंगे तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे वह कलम से लिखता है, इसका है 2। उसके बाद है पत्ता, वृक्ष, वृक्ष से पत्ता गिरा, ये हो जाएगा B1 अपादान। पिता के साथ बात करता है इज C4, और फिर सुप्रिया के लिए कार्य करता है इज D3। जी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ अगेन मैचिंग शब्द और आगे उनके पर्यायवाची दिए गए हैं। विद्युत, कालिंदी, व्याल, मार्तंड, इनको मैच करना है अर्कजा, आदित्य, सौदामिनी और सर्प के साथ। तो हमें पता है विद्युत के पर्यायवाची दामिनी, बिजली, विद्युत ये सब हैं, सौदामिनी भी इसका पर्यायवाची है, तो विद्युत को सौदामिनी के साथ, कालिंदी पर्यायवाची है अर्कजा का, कालिंदी का मतलब है यमुना, यमुना, जमुना, सूर्य, सुता, ये सभी इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। व्याल, व्याल को जोड़ेंगे सांप के साथ, सांप, सर्प, विषधर, भुजंग, तो सर्प इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मार्तंड का अर्थ है मार्तंड यानी सूरज, सूर्य, ठीक है, रवि, आदित्य, दिनकर, ये सभी सूरज के पर्यायवाची हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो सही ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, विद्युत सौदामिनी, कालिंदी अर्कजा, व्याल, सर्प और मार्तंड आदित्य। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए, रेखांकित स्थान पर हमें सही शब्द को चुनना है, दंडात्मक अपराध नहीं होता है। हमने कई जगह होर्डिंग्स पे पढ़ा होगा कि ऐसा करना दंडनीय अपराध है, तो ऑप्शन दंडनीय यानी 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7, आकाश का समानार्थी, अगेन समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द का दूसरा प्रश्न आता हुआ, लेकिन प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे नहीं है, यानी यहाँ पर 3 आकाश के पर्यायवाची मिलेंगे और 1 आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। व्योम, अंतरिक्ष और अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अवनी, धरती, धरा, भूमि का पर्यायवाची है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8 के लिए शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, जिसका मतलब है कुछ वाक्य यहाँ पर अशुद्ध दिए गए हैं। मुझे उनसे खतरे का डर है, गत रविवार को कौन सा दिन था, हमारा विचार तो यही है, मेरा प्राण संकट में है। इन सभी को पढ़ते हुए हमें पता चल रहा है हमारा विचार तो यही है इस करेक्ट आंसर, यही एक वाक्य सही है, बाकी 3 वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द ये टॉपिक रहेगा जो क्रम के अनुसार हो। जी बता दूं आपको, इस प्रश्न को भी ड्रॉप किया गया था और सभी छात्रों को इस प्रश्न के लिए नंबर दिए गए थे, चाहे वो आपने गलत किया या सही, इसके कुछ आंसर में मिस्टेक थी, तो ये ड्रॉप किया गया था, इसको हम छोड़ देंगे और बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को चुनिए, यहाँ पर हमें वर्तनी यानी स्पेलिंग चेक करनी है और अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत है। 1 की स्पेलिंग गलत रहेगी, बाकी 3 की स्पेलिंग सही रहेगी। तो जिसकी स्पेलिंग गलत है वो पढ़ने पर पता चल रहा है उज्ज्वल, प्रतिच्छाया, अक्षोहिणी और उच्छास, तो ऑप्शन नंबर 4 उच्छास की स्पेलिंग रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 11, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द चुनिए, विलोम शब्द हमें चुनना है। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना,
वो हम पेड़ के लिए या किसी शासन व्यवस्था के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उखाड़ने का विलोम शब्द होता है किसी को लगाना यानी रोपण करना। ऑप्शन नंबर 4 रोपण इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 12, बाजार गर्म होना मुहावरे का अर्थ बताना है। निम्नलिखित में से इनमें से किसी एक अर्थ को हमें चुनना है। मुहावरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। मौसम में गर्मी आना, बाजार में गर्म पकवान बिकना, अत्यधिक गर्मी होना, बोलबाला होना। हमें पता है कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ और उसका असली मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है। ये भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनसे भाषा में जान आ जाती है, लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। शाब्दिक अर्थ से इनका अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पर बाजार गर्म होने का मतलब है बोल बाला होना। इसका सही अर्थ ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 13, मेरे ब्लैंक इसका नंबर आया। ये जो रिक्त स्थान है इसको हमने उपयुक्त शब्द का चयन करके भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मेरे पीछे इसका नंबर आया, मेरे बाद इसका नंबर आया, मेरे से पहले इसका नंबर आया, मेरे पीछे से इसका नंबर आया। सही उत्तर, मेरे बाद इसका नंबर आया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य अशुद्ध हैं? कौन से वाक्य यानी एक से ज्यादा वाक्य अशुद्ध हैं? ध्यान से पढ़ेंगे। तुम केवल बोलना जानते हो, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। घड़े का ठंडा पानी होता है ना कि ठंडे घड़े का पानी। नायक का पति परदेश में है। नायक खुद एक पुल्लिंग शब्द है और पुरुष का पति नहीं होता, ये हम सभी को पता है। तो नायिका का पति परदेश में है या नायक की पत्नी परदेश में है, ऐसा होता तो ये करेक्ट होता। तो इट मींस सी इज आल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है। डाल पर चिड़िया बैठी है, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तो इसमें जो दो हमें गलत मिले ऑप्शन नंबर बी एंड सी देखेंगे। यस, नंबर 2 में हमें मिल रहा है बी और सी, ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हुए अगेन कॉलम को मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करेंगे। ये जो प्रश्न है ये संधि से संबंधित है। संधि टॉपिक को हम ट्रिक के साथ करवाते हैं जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। संधि के सभी भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूरी डिटेल में विद अलॉट ऑफ प्रैक्टिस शीट्स करवाया जाता है। पहला ऑप्शन गुर्वोदारे एकैक गंगोर मी पितृण, इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, और आपको प्रैक्टिस ऐसे करवाई जाती है कि सिंगल क्वेश्चन भी बच्चों का गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो गुर्वोदारे है वो यण संधि है और जो एकैक है वो हमारा वृद्धि संधि है, गंगोर मी हमारा गुण संधि है और पितृण हमारा दीर्घ संधि है। सभी को मैच करते हुए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। A4, B1, C2 एंड D3 ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 16, दिए गए सही विकल्प को चुनेंगे। मैं वादा करती हूं कि अब यहाँ पर आगे जो हमारा रिक्त स्थान है उसे हमें दिए गए ऑप्शंस में से विकल्पों में से चूज करना है, उनका चयन करना है किसी एक का। मैं ये काम कर लूं, तुम ये काम कर सकते हो, मैं जल्दी ही लौटूंगी, मैं सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारी जो चाह है और उसके साथ हम कभी भी वादा शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, और हमेशा जब भी हम वादा करते हैं तो वो उंगा उंगी उंगे एंडिंग होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी ही लौटूंगी और हम किसी और के लिए हम गारंटी नहीं ले सकते, वादा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, मैं जल्दी ही लौटूंगी। प्रश्न नंबर 17,
अव्ययी भाव का उदाहरण समास। फिर से समास आ गए। हम समास का पहले ही एक प्रश्न कर चुके हैं, इट मींस इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आता है। तो समास का उदाहरण अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब कि अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं और कुछ नहीं है, एक से ज्यादा नहीं है। प्रत्यक्ष, बेलाग, उपकुल, उपकूल, भरपेट, गृह कर। तो यहाँ पर हम जब अव्ययी भाव समास के ट्रिक को ध्यान में रखते हैं कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद उपसर्ग होता है और अव्यय होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ई, गृह कर में कोई भी उपसर्ग और अव्यय शब्द पूर्व पद में प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए 17th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, गृह कर, इज करेक्ट आंसर। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 18, प्रत्यर्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की जब हम बात करेंगे, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं या पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्यर्थी को जब हम दो मूल शब्द और उपसर्ग में जब हम बांटेंगे तो हमें उपसर्ग के रूप में मिलेगा प्रति, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19, यहाँ पे मुंह की खाना, मुहावरे का हम पहले भी एक प्रश्न कर चुके हैं, दोबारा रिपीट होता हुआ, मुंह की खाना यानी इसका अर्थ होता है बुरी तरह हारना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, मुझे उसकी मूर्खता पर हंसी आती है। मूर्खता किस संज्ञा की श्रेणी में आता है? संज्ञा टॉपिक का ये प्रश्न, हम संज्ञा को कई भेदों में बांटते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जब हम मूर्खता शब्द पर फोकस करेंगे तो ये भाव से संबंधित है, इसको ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21, गद्यांश यहाँ पर हमें दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और उसी पर आधारित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गद्यांश की लाइनें रीड करूंगी। प्रेमचंद की कहानियों का विकास उसी रास्ते से हुआ है जिस रास्ते से भारत में यथार्थवाद का विकास हुआ है। बुद्धिवादी, राष्ट्रीय, आधुनिक और जनतांत्रिक राहों से भारत में यथार्थवाद का विकास हुआ है। इसीलिए ये सभी तत्व प्रेमचंद के कथा साहित्य में हैं। आज भी बहुत से शहरी पाठक भारत के गांवों को प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आ रहा है गद्यांश से संबंधित, प्रश्न नंबर 21, गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का विकास भारत में किस विकास के रास्ते हुआ है? तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यथार्थवाद। सेकेंड लाइन में जनतांत्रिक राहों से भारत में यथार्थवाद का विकास हुआ है, यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगेन वही हमारा गद्यांश, इसमें प्रश्न 22 है। गद्यांश के अनुसार शहर में निवास करने वाले अनेक पाठक भारत के गांवों को किसके माध्यम से देखते हैं? अंतिम पंक्ति में उत्तर मिलेगा, प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 23, अगेन सेम गद्यांश, राष्ट्रीय शब्द में क्या विशेष्य है? राष्ट्रीय शब्द में क्या विशेष्य है? तो यहाँ पर हमें सही उत्तर मिल गया 23 का, राष्ट्र। ठीक है, विशेषण, विशेष्य हमें पता होना चाहिए क्या विशेष्य है। और यहाँ पे वो हो सकता है वो हमसे प्रत्यय के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते थे, तो पूरा हर शब्द का मतलब, टॉपिक कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24, अगेन सेम गद्यांश, गद्यांश में प्रयुक्त यथार्थ का विलोम, यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, और वास्तविकता का विलोम होता है क्या होता है? काल्पनिक। जी ऑप्शन नंबर 3, काल्पनिक यानी जो सच नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 25,
वही गद्यांश। गद्यांश के अनुसार भारत में यथार्थवाद का विकास किन राहों से हुआ है? गद्यांश बहुत छोटा है और बहुत आसानी से इसका उत्तर दिखाई दे रहा है। उत्तर है, हम गद्यांश पढ़ेंगे, बुद्धिवादी। प्रश्न नंबर एक, पहली पंक्ति के अंत में, बुद्धिवादी राष्ट्रीय आधुनिक और जनतांत्रिक राहों से भारत में यथार्थवाद का विकास हुआ है। यहाँ में 4 पॉइंट दिए गए हैं, ऑप्शंस पढ़ेंगे। बुद्धिवादी करेक्ट, राष्ट्रीय करेक्ट, आधुनिक करेक्ट, जनतांत्रिक करेक्ट। इट मींस ये सभी, तो यहाँ पर हम विकल्प देखेंगे ए बी सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करता हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे सभी 25 प्रश्न हमने हल किए। आपने देखे किस तरीके के प्रश्न आते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर शेयर किया है। वहां पर आपको सभी पेपर मिलेंगे, प्रीवियस इयर्स के पेपर मिलेंगे, 2023, 2024, और हम यूट्यूब पर भी क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, और टेलीग्राम पर आप सभी को इन सभी की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। तो जल्द से जल्द इन्हें करिए, ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार।